पहली बार मैंने जो प्रॉमिस किया था कि मैं फ्लोटिंग रिंग का मैजिक आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, इसको रिवील करूंगा, तो इसीलिए मैं आज आप सबके साथ सामने आ गया हूँ इसका सीक्रेट रिवील करने की, कैसे एक सिंपल सा रिंग हवा में फ्लोट करता है। तो फ्रेंड्स, आप सीखना चाहते हैं ये मैजिक, और हाँ, इस वीडियो के पास आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप लोगों को अच्छा लगे। तो आते हैं इसके सीक्रेट पे। इसका सीक्रेट है बहुत ही आसान, एक इनविजिबल थ्रेड। इनविजिबल थ्रेड क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। इस रिंग के साथ एक इनविजिबल थ्रेड मेरे इस कान में अटका हुआ है, तो वो मैं पहले दिखा दूँगा आप लोगों को। एक थ्रेड से ये झूल रहा था ये। आप लोगों को अगर थ्रेड नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं क्लोजअप में आप लोगों को थ्रेड दिखा दूँ। थ्रेड दिख रहा है? शायद नहीं, शायद हाँ। लेकिन इस इनविजिबल थ्रेड को आप पा सकते विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री में आप पा सकते इस इनविजिबल थ्रेड को। इस इनविजिबल थ्रेड को पाने के लिए आप लोगों को ऊल लेना पड़ेगा। ऊल जिससे हम लोग मम्मी स्वेटर बुनती है, वैसे ऊल से आप अगर एक रस्सी, उसमें से छोटा एक रस्सी अगर आग लंबा सा निकाल ले तो हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को कैसे उस रस्सी को निकालते हैं। मैं अभी आप लोगों को रस्सी दिखाऊंगा, और तो देखते हैं कैसे एग्जैक्टली होता है ये मैजिक। और तो फ्रेंड्स, जो जिस चीज़ से इनविजिबल थ्रेड निकलता है एकदम फ्री में, एक्चुअली इनविजिबल थ्रेड खरीदना पड़ता है, लेकिन आप लोगों के पास अगर मेरी तरह पैसा ना हो ये एकदम बिगिनिंग में, तो आप लोग ऐसे ही जुगाड़ कर सकते हैं। ये एक ऊल है जिससे स्वेटर बुनता है, तो उस ऊल से आप एकदम क्लोज व्यू में दिखा दो, बहुत सारे रेशे निकलते हैं सिंगल, मतलब कुछ बहुत सिंगल रेशे से ही तो एक ऊल बनता है। तो उससे आप अगर एक लंबा सा पीस निकाल ले, ये एकदम आसान नहीं है, बहुत हार्ड है, लेकिन कोशिश करने पर सब हो जाता है। धीरे धीरे पेशेंसली अगर आप एक छोटा सा थ्रेड इससे निकाल ले, तो आप एकदम फ्री में एक इनविजिबल थ्रेड पा सकते हो। ये निकल नहीं रहा, शायद ये निकल जाए। हाँ, आप देख सकते हो फ्रेंड, एक लंबा पीस मैंने निकाल लिया, और उसको, हाँ, उसको मेरी तरफ फेंकिएगा मत, उसको फर्दर लगेगा। और इस सेट को आप इस रिंग में नॉट कर दीजिए, जिससे ये रिंग इसको सपोर्ट दे। तो इसको नॉट बांधना भी इतना आसान नहीं है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि उलन से बहुत दिक्कत होता है, मतलब आप लोग कर नहीं पा रहे हो, तो एक और इनविजिबल थ्रेड हम लोगों के पास नेचुरली है, वो लड़कों के पास नहीं होता, लड़कियों के पास होता है, लड़कियों के लंबे बाल, तो उसके लड़कियों के सर के बाल से इनविजिबल थ्रेड हो सकता है। हाँ, ये कभी किसी ने ट्राई नहीं किया, लेकिन मैंने मेरी मम्मी का सर के बाल लेके बहुत बार मैजिक किया हूँ, क्योंकि मैं जब बिगिनिंग में था तब मेरे पास इतना पैसा नहीं था इनविजिबल थ्रेड खरीदने का। तो अब आप देख सकते हैं ये इनविजिबल थ्रेड से ये लटक रहा है। अब आप इस इनविजिबल थ्रेड को अपने कान में ऐसे मोड़ ले और एडजस्ट कर लीजिए साइज़ आप लोगों को कितना लगेगा। हाँ, ये साइज़ मेरे लिए एकदम परफेक्ट है। फिर आप दिखा सकते हैं कि ये हिल रहा है, वो इसको जब इसको टेंशन होगा, मतलब ये खींच पड़ेगा तभी ये हिलेगा। और इसको फ्री में घुमाने के लिए, मतलब फ्रीली घुमाने के लिए आप लोग को दोनों उंगली को ऐसे खींचना पड़ेगा, और बहुत फास्ट। और हाँ, अब आप देख सकते हैं ये रिंग पूरी तरह फ्लोट कर रहा है। अब आप अपने सर को जहाँ ले जाएंगे वो रिंग वहाँ जाएगा। एक्चुअली ये दिखता नहीं, अब सुबह के रोशनी में भी नहीं दिख रहा है। हाँ, और कैसे, अब इसको कुछ ट्रिक सीखते हैं।
इसको कैसे कैसे करते हैं, ऐसे तो आप लोगों ने घुमाना सीख लिया, ये घूमता ही रहेगा, बहुत देर तक घूमता रहेगा। फिर ऐसे उंगली को इसके ऊपर से इस सेट को बीच में रख के ऐसे कीजिए और ऐसे निकाल लीजिए, तो लगेगा कि रिंग रिंग के आसपास कुछ नहीं है। और एक ट्रिक होता है, वो है एक हाथ से दूसरे हाथ जाने का, वो मैं सिखाता हूँ। आप बहुत स्पीड से इसको दिखाइए पहले कि यह कुछ नहीं है, लाइक नथिंग। तो आप ये कर सकते हैं रिंग के एक साइड से उंगली फेर के, फिर इस हाथ को पास ले जाके, ऑडियंस तो नीचे ही देखेगा आपके हाथ के पास, अपने सर को ऐसे हिलाइए, ऐसे हिलाते हिलाते बाई तरफ ले जाइए और ये रिंग भी उसके साथ साथ चला जाएगा, और आप हाथ के ऊपर भी घुमा सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ, ये आप लोगों के क्रिएटिविटी के ऊपर है। हर चीज़ तो सिखाई नहीं जा सकती, कुछ चीज़ आप लोगों को खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो यही है एक्चुअली फ्लोटिंग रिंग का सीक्रेट। अब आप अपना क्रिएटिविटी दिखा के इसको और भी अच्छा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आप लोग अगर पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग।